गुड मॉर्निंग एवरीवन. कल हम लोग निकले थे बैंकॉक से चियांग राई जाने के लिए, तो रास्ते में कॉन्गलान करके एक वाटरफॉल है, नेशनल पार्क है, वहाँ पर हम लोग गए. और फिर वो वाटरफॉल देख के और वहाँ पर वापस जाने का प्रॉमिस करके उस सिक्योरिटी गार्ड को हम लोग आए हैं लामपांग, लामपांग सिटी. तो लामपांग में आने के बाद ये जो एक होटल है, यहाँ पर 10:30 बजे रात को मैंने चेक इन किया. और कितने रुपये लगे होंगे, एक रात के सिर्फ 1200 रुपये लगे. लेकिन बेड वगैरह बहुत बढ़िया था. आज सुबह का ब्रेकफास्ट वॉज ओके. एंड अब मैं निकला हूँ चियांग राई जाने के लिए. लगभग 3.5-4 घंटे का रास्ता है, लेकिन यहाँ पर पहले लामपांग में ही कुछ अच्छे अच्छे प्लेसेस में देखने वाला हूँ, और उसके बाद मैं जाऊँगा चियांग राई. और चियांग राई में जाकर आज दो स्पॉट्स वहाँ पे, दो प्लेसेस कवर करने का मैं सोच रहा हूँ. तो फिर चलिए, फिर अब ड्राइविंग शुरू कर देता हूँ और निकलते हैं चियांग राई के लिए. बैंकॉक से चियांग राई जाने का डिस्टेंस लगभग है 800 किलोमीटर. और बैंकॉक से वो जो वाटरफॉल था ना क्लॉन्ग लैंग, तो वो जाने के लिए वो डिस्टेंस था लगभग 360 किलोमीटर. तो वो तो कवर हुआ क्लॉन्ग लैंग वाटरफॉल से लामपांग, यानी जहाँ पर आज मैं हूँ, अभी जहाँ पर मैंने रात बिताई है यहाँ पे. तो ये है लगभग 300 किलोमीटर, यानी 660 किलोमीटर तो ऐसे ही कवर हो गए है. अब आगे का लगभग 228 किलोमीटर, यानी लगभग 3.5-4 घंटे का रास्ता है चियांग राई जाने के लिए. लेकिन अब मैं लामपांग के आसपास के कुछ स्पॉट्स पहले देखूंगा और यहां से फिर जाऊंगा चियांग राई. तो आई होप शाम तक मैं चियांग राई दोपहर तक पहुंच जाऊंगा, और वहां पर फिर एक दो स्पॉट्स देखेंगे, आपके लिए रिकॉर्डिंग करेंगे. तो फिर बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, क्योंकि आज भी बहुत सुंदर सुंदर स्पॉट्स आपको मैं दिखाने वाला हूँ, कुछ प्लेसेस दिखाने वाला हूँ. और अगर जाते जाते अच्छे कुछ नज़ारे दिखते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा. तो फिर चलिए, पहले तो मैं कुछ एक कॉफ़ी ढूंढ लेता हूँ 7-Eleven की. हज़ारों 7-Eleven है इस थाईलैंड में, हज़ारों, कोने कोने पर हर एक सिटी में 7-Eleven है. और इट इज़ द बिगेस्ट रिटेल चेन इन थाईलैंड. तो उसकी जो कॉफ़ी है उसमें थोड़ा सा मैं कोको ऐड कर देता हूँ, एंड वो कोको फिर जो लगता है उसकी टेस्ट, ओह माय गॉड, दीवाना बना देती है ये टेस्ट. तो वो लेके फिर मैं निकलूँगा ड्राइव पर. बने रहिएगा मेरे साथ, मुझे अकेले मत छोड़िएगा, मेरे साथ ड्राइव पे बने रहिएगा. ऐसे कुछ बहुत सुंदर टेम्पल्स नॉर्थ थाईलैंड में है. नॉर्थ थाईलैंड जनरली जाना जाता है टेम्पल्स के लिए, बहुत बढ़िया बढ़िया ऐसे टेम्पल्स है. ये खास एक रोड साइड पर दिखा है, इसलिए मैं अंदर लेके आया हूँ कार, अब वापस रिवर्स ले लेता हूँ. ये मैं आपको दिखा रहा हूँ लामपांग सिटी. अब मैं हूँ सिटी सेंटर में, यानी जैसे ये होता ना ओल्ड सिटी सॉर्ट ऑफ, वहां पर हूँ मैं. अब मैं जा रहा हूँ एक नदी किनारे, एक रास्ता है जहाँ पर उन्होंने कुछ अलग तरीके के कुछ पेंटिंग्स किए हैं, जिसे कहा जाता है रिवर साइड स्ट्रीट आर्ट. तो वहां पर जाके कुछ फोटोग्राफ्स निकलूंगा मैं. ये ब्रिज नदी के ऊपर से जाएगा, लेकिन मैं उतर रहा हूँ नीचे. यहाँ से लूंगा मैं राइट, नदी को यहाँ पर कहा जाता है माइन. ओके, सो ये जो है ये स्ट्रीट आर्ट है ये सारा. यहाँ पर कहीं पे कार लगा के मैं अब उतरूंगा और इस आर्ट का मजा लूंगा. अब यहाँ पर पार्किंग कहाँ पर करें, थोड़ा सा सवाल मेरे मन में आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सोचना पड़ता है कहाँ पर पार्किंग करना है. तो मेरे ख्याल से यहाँ पर पार्किंग करना अच्छा रहेगा. लेट्स सी. चेस खेला जा रहा है यहाँ पर, घोड़ा गाड़ी यहाँ पर बहुत फेमस है. ओह सो नाइस. तो यहाँ पर राइट साइड पर स्ट्रीट आर्ट है और लेफ्ट साइड पर रिवर
ये जो वॉल्स है ये कंपाउंड के वॉल्स है यहाँ पर रहने वाले लोगों के घरों के, लेकिन कितनी अच्छी आइडिया है ना। और ये बहुत फेमस है, अभी भी जस्ट यहाँ पर मैंने कुछ चाइनीज़ मेरे ख्याल से वो लोग थे, वो भी यहाँ पे एक बड़ा ग्रुप आया था 20-25 लोगों का, वो लोग भी अभी यहाँ पर ले रहे थे ये पूरे फोटोग्राफ्स। नीचे जाने के लिए स्टेयरकेस, और यहाँ पर भी ऐसे बैठने के लिए जगह की गई है, कितना अच्छा है ना, शाम को बैठने के लिए यहाँ पर बैठे बैठे चाय कॉफ़ी पीते पीते, यहाँ के जो बर्ड्स है अच्छी अच्छी आवाज़ें आ रही है, और यहाँ के नेचर का लुफ्त उठाते हुए कितना अच्छा लगता होगा। कुछ रेस्टोरेंट्स भी है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर बैठ के खाना खा सकते हैं शाम के टाइम, या सुबह नाश्ता कर सकते हैं, बहुत बढ़िया लगेगा ना। ये देखिए, ये है वो फोटोग्राफ्स। पसंद आया ये स्ट्रीट आर्ट कैसा लगा? तो अब ये तो देखिए हो गया है, अब मैं निकलूंगा चियांग राई जाने के लिए। लगभग 4 घंटे का रास्ता है, और वहाँ पर पहुँचने के बाद मैं वहाँ पर एक स्पेशल मंदिर देखने के लिए जा रहा हूँ, जो कि अंदर से नीले कलर का है। यस, जनरली इनके मंदिर अंदर से नीले कलर के नहीं होते, लेकिन ये मंदिर नीले कलर का बहुत सुंदर है। वो देखने के बाद मैं देखने के लिए जाऊँगा एक क्लॉक टावर, जो कि शाम के लाइट्स के इफ़ेक्ट्स में बहुत बढ़िया लगता है, बहुत सुंदर लगता है, गोल्डन कलर का लगता है। स्पेशल वहाँ का एक क्लॉक टावर का एक वहाँ पे स्क्वायर है, तो वहाँ पर जाऊँगा और उसके बाद मैं होटल में चेक इन करूँगा। मेरा होटल ऑलरेडी मैंने बुक करके रखा हुआ है, तो होटल में जाके आज थोड़ा सा आराम करूँगा मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि कल का शेड्यूल थोड़ा सा टाइट है। और फिर चले फिर अब निकलते हैं। अरे बढ़िया बढ़िया बर्ड्स है, लेकिन इतने फास्ट जा रहे हैं कि दिखने से पहले ही आँखों से ओझल हो जा रहे हैं। ओके, तो अब मैं निकलता हूँ चियांग राई जाने के लिए। अब तक मैंने कॉफ़ी नहीं पी है, बहुत प्यास लगी है कॉफ़ी की। अब लेता हूँ मैं पहले 7-Eleven से कॉफ़ी और ड्राइव शुरू कर देता हूँ। 4 घंटे का ड्राइव है, चलिए फिर मेरे साथ। ये है क्लॉक टावर, ये जो उड़ते हुए जो दिख रहे हैं ना, ये कोई स्पेशल वीडियो इफेक्ट नहीं दिया है, ये छोटे छोटे जो स्पैरोज होते हैं ना, जिसे स्विफ्ट कहते हैं, उसके जैसे ये कुछ बर्ड्स यहाँ पर उड़ रहे हैं, और उनके जो बॉटम्स है वो एकदम गोल्डन दिख रहे हैं इन लाइट्स की वजह से। चारों ओर से सेम डिजाइन है, अभी अगर आप देखोगे तो ऊपर बहुत घने बादल छाए हुए हैं, तो पता नहीं है कल का क्या कैसे होगा, लेकिन मैं ट्राई करूँगा आपके लिए बहुत से बढ़िया चुनिंदा वीडियो लाने के लिए।
आई होप कि आपको ये क्लॉक टावर भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो अब मैं चलता हूँ होटल में और फिर आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ अभी अभी इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ 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 टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।